हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आई हुई वैकेंसी के बारे में। और देख सकते हैं दोस्तों, इसके लिए जो एप्लीकेशन करने की डेट है, लास्ट डेट वो यहाँ पर 30 सितंबर है। और यहाँ इस एप्लीकेशन का जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 सितंबर यानी कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेनेंस एसोसिएट के पोस्ट हैं, मैकेनिकल यहाँ ब्रांच है, और उसी तरीके से मेंटेनेंस एसोसिएट है 36 पोस्ट। और टू यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इसी तरीके से दोनों में, और मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। सिविल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, उसी तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एसोसिएट के 4 पोस्ट हैं। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 28 है, इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है। आईटी या बीसीए या बीएससी इन आईटी मांगा गया है। टेक्नीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 43 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के 19 है, ओबीसी के 11 है, एससी के 6, एसटी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 4 पोस्ट हैं। और आईटीआई मांगा गया है यहाँ पे, एनसीवीटी या एससीवीटी जो भी हो आपके पास सर्टिफिकेट इन द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। उसी तरीके से टेक्निकल टेक्नीशियन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है 27 पोस्ट। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन में है यहाँ 3 पोस्ट। और उसी तरीके से टेक्नीशियन के देख सकते हैं 18 पोस्ट हैं। और ये देख सकते हैं वेल्डर के 2 पोस्ट हैं। और यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर ऑब्लिक यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर के 67 पोस्ट हैं। यूआर के लिए 30, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। इस तरीके और इसमें देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट और बीएससी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स में। तो ये सारे ही और एज क्राइटेरिया ये देख सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट लिखी हुई है। और ये देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 10 जो मेथोलॉजी होगी वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी आपका होगा। देन उसके बाद मेडिकल फिटनेस होगा आपका, और 11 से लेके और जो रिमेनिंग है उनके लिए सीबीटी होगा और साइकोमेट्रिक यहाँ टेस्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो रेलवे के हैं वो देखा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बॉन्ड द सेलेक्टेड कैंडिडेट सेल हैव टू एग्जीक्यूट सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाया जाएगा उनको 1.5 लाख का, यहाँ पे 1 to 5 और 11 पोस्ट के लिए। और सीरियल नंबर के जो 6 से 10 के पोस्ट हैं उनको 1 लाख का यहाँ पर आप लोगों का सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे जमा करवाया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी जो है आपकी, वो ये लिखा है मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामर एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 35,250 रुपीज़ दिए जाएंगे। ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,750 आपकी सैलरी होगी। टेक्नीशियन के लिए 23,850 का आपको सैलरी दी जाएगी। और इसके लिए जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 500 आप लोगों को पे करने पड़ेंगे जो नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ पे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए और एसटी एससी के लिए कोई भी फ़ी नहीं दिया जाएगा। तो इसको दोस्तों 15 से स्टार्ट है और 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो इसको अप्लाई कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है वो लिखा हुआ है, ये पोर्टल दिया हुआ है आपका www.ncrts.in। इस पर आप लोग अप्लाई कर लेंगे। ये फ़ोटो का रिसेंट फ़ोटो साइज का साइज़ दिया हुआ है यहाँ 80 KB का आप लोगों का, इस सिग्नेचर। देन उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट 1 MB का होना चाहिए। और इसके लिए लास्ट डेट ये देख सकते हैं यहाँ मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट लगा हुआ है दोस्तों, और ये डिसिप्लिन लिखा हुआ है सारे ही पोस्ट के लिए। और यहाँ से देख सकते हैं ये पोर्टल का वेबसाइट, और यहाँ से डायरेक्ट भी आप लोग जा सकते हैं पोर्टल में।
तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।